हेलो, आज हम पूर्ण अर्ध संख्याओं के वर्गमूल की सूत्र निकालते हैं। ये जैसा कि हम जानते हैं वर्गमूल का निशाना है और इसके अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो हम वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं बहुत शीघ्रता से। जैसे यहाँ पर हमने एक चार्ट पेपर लगा है, यहाँ पर देखिए ये बीच में पूर्ण वर्ग संख्या है उसकी इकाइयाँ, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कहाँ होंगी, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या की इकाइयाँ, और इधर जो है इधर हमने निकाल रखी है वर्गमूल की इकाइयाँ। यदि पूर्ण वर्ग संख्या ये शून्य के लिए शून्य रहेगा, कहने का मतलब यदि यहाँ पे शून्य है तो वर्गमूल भी निकल कर शून्य है। यदि यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई पाँच है तो वर्गमूल की इकाई भी पाँच होगी। लेकिन यदि पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई एक है तो वर्गमूल की इकाइयाँ एक और नौ हो सकती है, जैसे एकन नौने वाई इक्यासी। अगर चार है तो वर्गमूल की इकाइयाँ क्या होंगी, दो और आठ, आठ और चौसठ, दो दूनी चार। नौ है तो क्या होगी, सात और तीन, तीन दिया नौ और सात, सेवन 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 दा 49। और यदि छः है तो चार और छः इकाइयाँ होंगी। अब यहाँ पर भी हम दोबारा ये जो सब जैसे एक जीरो एक चार नौ, जीरो के लिए जीरो, पाँच के लिए पाँच, एक के लिए एक और नौ, चार के लिए दो और आठ, छः के लिए चार और छः, और नौ के लिए तीन और सात। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जैसे कि हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना है ये 47 61। यहाँ पे हम इधर से एक गोला बनाएंगे, ये इसमें क्या है दो जो वर्गमूल निकलेगा वो दो अंकों में निकलेगा। यहाँ पर एक है तो एक के लिए यहाँ पर देखिए एक के लिए क्या है, जो वर्गमूल निकल रहा है उसकी इकाई एक होगी या नौ होगी, यानी एक होगी या नौ होगी। अब यहाँ पर देखते हैं ये दूसरा नंबर जो है शेष रह गया है वो 47 है। अब ये 47 जो हम देखते हैं ये किसके वर्ग के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर चार का वर्ग 16, पाँच का 25, छः का 36, सात का 49, ये अधिक हो रहा है, यानी सात का वर्ग जो 49 है वो इससे अधिक हो रहा है। इसका मतलब क्या है, छः का मतलब 36, यहाँ पे 36 ये तो छः, इससे जो है क्या है 36 से इससे मतलब ऊपर ना हमारा वर्ग जा पाए। तो यहाँ पर जो है क्या है ये मैक्सिमम स्क्वायर क्या है इससे 36 घटाया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या है ये 6, यानी मतलब जो इस संख्या का वर्गमूल निकल के आएगा वो 61 होगा या 69 होगा। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा होगा ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को देखते हैं और यहाँ पर जो ये संख्या निकल के आई है ये हमारा, इसके साथ ये अगली संख्या निकालते हैं कंपेरिजन नंबर, यानी तुलन संख्या जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 ये निकल के आया है तो इसकी क्रमागत अगली क्या होगी, 7, 6 7 42। ये तुलन संख्या हमारी कंपेरिबल नंबर कितना निकला, 42। यहाँ पर ए नंबर 47 इस नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा बड़ा वाला ये बड़ी वाली संख्या यानी 69 निकल के आएगी, और इस प्रकार इसका वर्गमूल कितना हो गया। फिर समझ रहे हैं बात, यहाँ पर देखें कि ये 47 है तो इसके लिए क्या है 61 है। यहाँ वर्गमूल संख्या के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसकी इकाई एक है, एक होने के कारण यहाँ पर क्या है वर्गमूल की इकाई क्या होगी, एक और नौ होगी। अब यहाँ पे शेष जो रह गया है 47, ये देखते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर इससे मैक्सिमम क्या 36 घटाया जा सकता है, 36 किसका वर्ग है 6 का, तो यहाँ पर 6 हम लिखेंगे, ये 61 हो सकती संख्या या 69 हो सकती। अब यहाँ पे देखना है कि इसको हम लाने के लिए क्या करेंगे, ये तुलन संख्या कंपेरेबल नंबर निकालते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर जो 6 निकला इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, वो होगी 7, 6 7 42। अब ये देखना है कि ये नंबर जो है हमारा ये 47 है, ये 42 से बड़ा है। अब यदि ये नंबर कंपेरेबल नंबर से बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या आएगी 69, ये कैंसिल हो गया अर्थात वर्गमूल हमारा हो गया 69। अगली है संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है 2025। इसमें सीधे देर नहीं लगेगी, पाँच के लिए जैसे हमने बताया क्या है, पाँच के लिए पाँच रहेगा, पाँच के लिए एकदम पाँच रखा, ये इकाई क्या हो गई पाँच। अब यहाँ पे देखिए 20 है, 20 किससे किसका वर्ग, ये 25 ज़्यादा हो गया 16, यानी 4, यहाँ पे 4 रख दीजिए निकल गया है। पाँच वाले शून्य के लिए देने अब है 18 49,
इसने हमें इसका निकालना है। फिर देखिए हमने जोड़े बनाए, यहाँ पे नौ है, नौ के लिए क्या है, नौ के लिए देखिए क्या है, तीन और सात, या इधर तीन और सात देख लें, यहाँ इसमें तीन और सात देख लिए, यहाँ पर तीन और सात हो गया। अब इसमें देखना है ये तैतालीस होगी या सैंतालीस होगी। अब कंपेरेबल में वो निकालेंगे, चार की क्रमागत अगली क्या होगी, पाँच, चार पंजे बीस, क्योंकि अट्ठारह देखिए ये क्रमागत से कम है, इसलिए जो है यहाँ पर कम है तो इसके लिए कम लेना पड़ेगा, यानी कम वाली ये 43 हो गई। इसके बाद अगली जो है देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है थोड़ी बड़ी संख्या है, यहाँ पे ये 49,284, इसमें भी क्या है देखिए, एक जोड़े बनाए तो एक दो ये तीन नंबर में निकल के आएगा, लेकिन इसका वही हमें इकाई का देखना, चार चार के लिए आएगा, यहाँ पे देखिए दो और आठ, यहाँ पर दो और आठ सेट किया। अब यहाँ पर देखिए 492, 20 का वर्ग होता है 421 का, 441, 22 का हुआ 484, इसके मतलब इससे 484 यानी 22 का वर्ग घटाया जा सकता है, तो यहाँ पर 22 आएगा, और 22 इसके मतलब संख्या 222 होगी या 228 होगी, लेकिन इस कंपेरेबल नंबर अगली तुलन संख्या निकाल, तुलन संख्या क्या होगी, 22 क्रमांक 23, 22 और 23 की गुणा कितनी हुई, 506, जो कि 492 से 492 क्या है, कम है, यानी ये जो नंबर है कंपेरेबल नंबर से कम है, अतः हमें ये कम वाली संख्या यानी 222 यानी 222 होगा था, इसका वर्गमूल हो गया 222। इस प्रकार से हम बहुत चुटकियों में वर्गमूल दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।